हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने जैसे बताया कि मैं वीडियो की सीरीज शुरू कर रहा हूँ, अपने से कंटिन्यू ब्लॉग लेके आ रहा हूँ, तो आज मेरा ब्लॉग 2 है। तो आज की ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं, हम जस्ट अपने भैया के साथ आउटिंग के लिए जा रहे हैं। आउटिंग क्या, उनका एक प्लॉट है, एक प्रॉपर्टी है, उसको विजिट करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारा कुछ वाजवान खाने का प्लान है। वाजवान आपको बता देता हूँ, कश्मीरी कुक को वाजवान बोला जाता है। तो वो जो कश्मीरी टाइप से जो भी मटन बनाता है तो उसको वाजवान कहते हैं। आपको सब दिखाता हूँ, थोड़ा कश्मीर का कल्चर लाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो आपको डिशेस दिखाऊँगा कि आज हम क्या क्या खा रहे हैं, सब दिखाऊँगा, और कहाँ जा रहे हैं वो दिखाऊँगा। और डियोर को भी नहला रहे हैं, आपको डियोर को भी दिखाता हूँ नहलाते हुए। और बाकी जो भी कंटेंट देखेगा आपको, तो आप देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। देखते हैं डियोर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। डियोर खा रहा है खाना और करा रहा है कंघी। अभी अभी इसने बात ली है, तो आपकी बात कौन ज़रूरी है। इसकी मैं चौक चेन ले आया था, इसको बहुत खुल गया, इसको चेंज कराते हैं। तो डियोर अपने राइस और चिकन खा रहा है। हम निकलते हैं अपने पहले इस काम पे, उसके बाद हम निकलेंगे साइट विज़िट, मतलब कि प्लॉट विज़िट में, और सब दिखाते हैं आपको। एनिमल प्लैनेट ये हमारे बहुत ख़ास दोस्त का है, जो कि जसमीत सिंह जी है। क्या आलमीर भैया, देख सकते हैं डॉग लवर कितने हैं ये, कि कितना बढ़िया टैटू भी। अमेरिकन बुली या पिटबुल है ये वाला जो हाथ में, पिटबुल। कितना शौक, आप देख सकते हैं इनको। बाकी इनकी शॉप देखिए, बहुत अच्छी शॉप है। डियोर का सारा सामान यहाँ से जाता है। तो ये चौक चेन है, इन्होंने बड़ा साइज दे दिया है। क्या करना है इसका, आपको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस कर दोगे? बिल्कुल। तो और क्या क्या होता है आपके पास, पहले ये बताओ ना, जो आपको चाहिए। तो आपको बोला था कि प्लॉट की विजिट में आ रहे हैं, तो प्लॉट तो आप पहली बार देखा, इतनी अंदर आ गया है। भाई साहब से पूछो कितनी अंदर आए हम, 4-5 किलोमीटर। ये भार्गव जी हैं, भार्गव भैया ये, और ये सुमंत। हाय हाय। तो अभी देखते हैं, प्लॉट अभी भी आ गया है। रोड देख सकते हैं आप, ये रोड है, इस रोड से आए हैं हम। ये पीछे से इधर तक, मतलब आधे रास्ते में लुक पड़ी है, और इस इधर लुक नहीं पड़ी। अभी चलते हैं आगे, मतलब थोड़ा ही रह गया आधे किलोमीटर का, देखते हैं क्या है। मतलब काफ़ी टाइम पहले इन्वेस्ट करा हुआ था कहते हैं यहाँ पे, तो क्या है, क्या बना है उसका, कुछ इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, देखते हैं। भाई क्या तक गई। नहीं, खड्डा कितना बड़ा था। ये लगेगी नीचे, मुझे लग रहा है। निकल गई। तो ये देखो आप, इधर भी उगाओ नहीं। देखो भार्गव जी क्या कर रहे हो, पानी दे रहे हो पेड़ को। तो ये जगह कितनी जगह जाती है यहाँ पे, यहाँ पे हम रोड से है ना। हाँ। रोड से ये जो दीवार कटी है ना। हाँ। ये मेरी जगह कटी है यहाँ तक, और यहाँ से वो नीचे वाले दो पेड़ है ना। हाँ। सीधा वहाँ से आगे जाके दो पेड़ पीछे। अच्छा, पूरा स्क्वायर में। स्क्वायर में 5 है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे उगाओ ना कुछ। क्यों, पैसे उगाने हैं? वो कैसे उगेंगे? अभी कहाँ पे प्लांट कहाँ लगाया पैसों का? अच्छा, बहुत गंदा रास्ता था फ्रेंड्स। अब देखते हैं कौन सा पेड़ उगाते हैं पैसों का। पीछे वाली जो बाउंड्री पूरा स्क्वायर ऐसे,
यहाँ पे रिंग रोड भी मिलती है अखनूर वाली? रिंग रोड यहाँ से आगे। अच्छा, इनके झाड़ ये जो स्क्रैच दिख रहे हैं अभी के हैं सारे? नहीं, ये मीटरने वाले हैं, ये वाले कंपाउंड मारना पड़ेगा। हाँ, ये कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं छन्नी में। छन्नी में नॉर्थ वॉक के बाहर, जो कि बहुत ही बढ़िया लजीज वाजवान सर्व करते हैं कश्मीरी स्टाइल में। तो ये देख सकते हैं कश्मीरी स्टाइल में नीचे कारपेट पीछे हुए हैं, और नीचे बैठने का भी ऑप्शन है, ऊपर बैठने का भी ऑप्शन है। बहुत ही बढ़िया एम्बियंस है, तो हमने नीचे बैठना प्रेफर किया है। जैसे हम एंटर किए, उसके बाद हम बैठे, हमने ऑर्डर वगैरह दिया, और कुछ इस तरीके से हमारे हैंड वॉश कराए गए हैं, जो कि बहुत ही प्रॉपर हैंड वॉश दिया गया हमें। और बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि अभी हम घर पर ही बैठ के खा रहे हैं। ये चीज़ आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगी, ये कश्मीर ही है जहाँ पर आपको ऐसा कल्चर देखने को मिलेगा। प्रॉपर हैंड वॉश के बाद हमारे यूटेंसिल्स सर्व करे गए हैं, तो सब यूटेंसिल्स जो हैं वो पित्तल के हैं। तो जो सर्व हुई हैं, जो अभी आप देख सकते हैं, वाइट ग्रेवी में, इसको कहते हैं यखनी, और रेड ग्रेवी में जो है उसे कहते हैं रिश्ता। और ये साथ में उसी के कबाब देख सकते हैं आप, विद अनियन की जो चटनी होती है, कुछ उम्र कह सकते हैं, चटनी कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है राइस के साथ सर्व किया हुआ। तो देखिए प्लेट में कितना ही अच्छा लग रहा है। ये रिश्ता हो गया, ये कबाब, अनियन और यखनी। यखनी मेरी पर्सनल फेवरेट है। भार्गव जी से पूछते हैं, तो भार्गव जी का भी कहना यही था कि यखनी बहुत अच्छी है। तो हमने अपना लंच कंप्लीट किया विद हैंड वॉश, और उसी के बाद हम निकल गए यहाँ से, आधा घंटा बैठने के बाद, क्योंकि उठने का किसी का भी मन नहीं था। तो कुछ यही था आज की ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो।